मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भानप्रिया। लोकसभा चुनाव 2019 के पहले और दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है, अब बाकी बचे चरणों के लिए प्रचार का शोर जारी है। यही चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो इसके लिए चुनाव आयोग सख्ती दिखा रहा है, लेकिन इसके बावजूद चुनाव प्रभावित करने के लिए कैश और शराब के इस्तेमाल के लिए शरारती तत्व सक्रिय नजर आए। चुनाव प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल हो रही चीजों की बरामदगी में इस बार चुनाव आयोग ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं वे चौंकाने वाले हैं। आयोग के मुताबिक अब तक कुल जब्त हुए सामान की कीमत 2600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। 2014 के 300 करोड़ रुपए के मुकाबले 683 करोड़ रुपए कैश जब्त हुआ है। बता दें कि इनकम टैक्स दूसरी एजेंसियों की कार्रवाई में खुलासा हुआ है। खबरों के मुताबिक चुनाव के दौरान वोटर्स को लुभाने के लिए दारू बांटने की तैयारी दिखी थी। अलग अलग जगहों पर कई छापेमारी में जो शराब जब्त हुई है उसकी कीमत कुल 219 करोड़ रुपए है। नकदी और सोना जब्ती के मामले पर दक्षिण भारत टॉप पर है। वहीं गुजरात, दिल्ली एनसीआर और पंजाब शराब और ड्रग्स की बरामदी में टॉप पर है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।